सर कोई ऐसा तरकीब बताइए कि एग्ज़ाम में निबंध लिखूं तो बिल्कुल भी नंबर ना कटे, मुझे पूर्ण अंक मिल सके। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपकी जो लिखावट है बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, जो स्पेलिंग मिस्टेक है, वर्तनी अशुद्धियाँ हैं, वह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और जो आपका पैराग्राफ है वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि जब भी निबंध लिखा जाता है तो पहला पॉइंट या तो प्रस्तावना लिखते हैं या तो परिचय लिखते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखा हूँ प्रस्तावना। निबंध का विषय क्या है? प्रदूषण की समस्या। तो पहला पॉइंट लिखेंगे प्रस्तावना। विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले हैं वहाँ कुछ अभिशाप भी मिले हैं। प्रदूषण भी एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख से जन्मा है और जिसे सहने के लिए अधिकांश जनता मजबूर है। तो यह हो गया प्रस्तावना। उसके बाद लिखेंगे प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, न शुद्ध वायु मिलना, न शुद्ध जल मिलना, न शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलना और न शांत वातावरण मिलना। तो प्रदूषण का अर्थ है जब प्राकृतिक संतुलन में गड़बड़ी हो जाती है, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है तो वह प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण के कारण ही प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है। उसके बाद है प्रदूषण के प्रकार। आज के वातावरण में प्रदूषण इन रूपों में दिखाई देता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मुख्य रूप से प्रदूषण तीन प्रकार के होते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। लेकिन आज के आधुनिक युग में दो प्रदूषण और भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट है वायु प्रदूषण। वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। आजकल मोटर वाहनों का काला धुआं इस प्रकार वायु को प्रदूषित कर रहा है कि हमें सांस लेना दूभर हो गया है। यह समस्या महानगरों में अधिक देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से कहा जा सकता है कि वायु प्रदूषण बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में ज़्यादा देखने को मिलती है। और वायु प्रदूषण की बात करें तो भारत की राजधानी दिल्ली में प्रत्येक साल वायु प्रदूषित होता है। वहाँ जो वाहनों की संख्या है बहुत ही ज़्यादा है और दिवाली पर जो पटाखे जलाए जाते हैं जिस कारण जो वायु प्रदूषण है बहुत अधिक मात्रा में फैलता है। वायु प्रदूषण के बाद दूसरा पॉइंट है जल प्रदूषण। जल ही जीवन है, इसके बिना जीव जंतु तथा पेड़ पौधों का अस्तित्व नहीं है। आजकल कल कारखानों का दूषित जल नदी नालों में मिलकर जल को प्रदूषित कर रहा है। प्रदूषित जल को पीकर लोग बीमार पड़ जाते हैं, उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां जकड़ लेती है। तो फ्रेंड से यदि आप सही शुद्ध जल वाटर नहीं पियेंगे तो हमें बीमारी हो सकती है। हमें स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध वायु के साथ साथ शुद्ध जल भी चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि मतलब होता है आवाज़। ज़्यादा आवाज़ भी हमारे लिए हानिकारक है। मनुष्य को रहने के लिए शांत वातावरण चाहिए, परंतु आजकल किसी भी समारोह में डीजे साउंड का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि रातों की नींद खराब हो जाती है और ज़्यादा साउंड होने के कारण लोगों का दम भी घुटने लगता है। जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनका हार्ट अटैक भी हो सकता है। यातायात का शोर तथा लाउड स्पीकरों का कर्णभेदी ध्वनि ने बहरेपन तथा तनाव को जन्म दिया है। लोग बहरे का शिकार हो जाते हैं, लोगों में तनाव उत्पन्न हो जाता है और जो हार्ट के पेशेंट होते हैं डीजे के साउंड से उनका हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो ध्वनि प्रदूषण है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। उसके बाद चौथा पॉइंट है रेडियोधर्मी प्रदूषण। आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है, परमाणु परीक्षण निरंतर होते रहते हैं। इसके विस्फोट रेडियोधर्मी पदार्थ संपूर्ण वायुमंडल में फैल जाते हैं और अनेक प्रकार से जीवन को क्षति पहुँचाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आजकल देशों में होड़ लगा हुआ है कि सबसे ज़्यादा ताकतवर हम हों और उसके लिए तरह तरह के परमाणु परीक्षण किए जाते हैं। जो परमाणु परीक्षण या परमाणु विस्फोट होता है उससे वायुमंडल में जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं वो फैल जाते हैं, जिससे हमारा वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। उसके बाद पाँचवा पॉइंट है रासायनिक प्रदूषण। कारखानों से बहते हुए अपशिष्ट द्रव्यों के अलावा रोगनाशक तथा कीटनाशक दवाइयों से और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये पदार्थ पानी के साथ बहकर जीवन को अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब है कि रासायनिक प्रदूषण भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कारखानों से बहते हुए अपशिष्ट द्रव्यों के अलावा जो रोगनाशक कीटनाशक दवाइयाँ जो स्प्रे किए जाते हैं वो मिट्टी या पानी में मिल जाते हैं, जिस कारण जो है पानी प्रदूषित हो जाता है, या अनाज में कीटनाशक का प्रयोग करने से
जो अनाज है वह भी प्रभावित होता है। अनाज जब हम खाद वाला अनाज खाते हैं तो वह हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। उसके बाद है प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियाँ। बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकीकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। कारखानों के धुएं से, विषैले कचरे के बहाव से तथा जहरीली गैसों के रिसाव से आज मानव जीवन समस्याग्रस्त हो गया है। इस प्रदूषण से मनुष्य जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से कह सकते हैं कि प्रदूषण के कारण ही आज ज़्यादा मात्रा में लोग बीमार पड़ रहे हैं। उसके बाद है समस्या का समाधान। वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। दूसरी ओर वृक्षों के अधिक कटान पर भी रोक लगानी चाहिए। हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए ताकि हरियाली अधिक हो। कल कारखाने को आबादी से दूर रखना चाहिए तथा सरकार को तेज़ लाउडस्पीकरों पर बैन लगानी चाहिए। फ्रेंड्स, से सबसे अंत में लिखा जाता है उपसंहार या निष्कर्ष। तो मैं लिखा हूँ उपसंहार। खुशी की बात है कि हमारी सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। उद्योगों का लाइसेंस देने और वनों की कटाई रोकने की दिशा में कठोर नियम बनाए गए हैं। हमें सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर अपने जीवन में आने वाले प्रत्येक शुभ अवसर पर कम से कम एक या दो पेड़ अवश्य लगानी चाहिए। यदि हम अपने जीवन में एक दो पेड़ लगाते हैं तो इस तरीके से जो पेड़ों की संख्या है वो हमारे पर्यावरण में बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, मानव और पेड़ में बहुत गहरा संबंध है। एक दूसरे का एक दूसरे के बिना जीवन अधूरा है। यदि मानव नहीं रहेगा तो पेड़ नहीं होगा, और पेड़ नहीं होगा तो मानव जीवित नहीं रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी को पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।